उत्तर प्रदेश के अमरोहा में गांव सबदलपुर सुमाली के ग्रामीणों ने उपचुनाव का बहिष्कार करने का पोस्टर गांव में लगा दिया है, जिस पर लिखा है सभी राजनीतिक पार्टियों का गांव में आना वर्जित है, विकास नहीं तो वोट नहीं। उपचुनाव का बहिष्कार करने की सूचना से अधिकारियों में हड़कंप मच गया है। चुनाव के वक्त में जनता को झूठे वादे करके राजनीतिक पार्टियां अपना उल्लू सीधा कर लेती हैं, लेकिन चुनाव जीतने के बाद उनकी तरफ कोई राजनेता आकर ध्यान नहीं देता। सरकारें आई और गई, लेकिन ये राजनेता गांव वालों की समस्या का समाधान नहीं कर पाए। हम बात कर रहे हैं अमरोहा के गांव सबदलपुर सुमाली की। दरअसल अमरोहा जनपद की नोगावा सादात विधानसभा पर 3 नवंबर को उपचुनाव होना है। हसनपुर तहसील के गांव सबदलपुर सुमाली के तहसील हसनपुर तक कच्चा रास्ता है और गड्ढों में तब्दील है, जिस कारण किसानों का गन्ना चीनी मिल को ले जाने में 7 किलोमीटर चलने के बजाय 16 किलोमीटर लंबे रास्ते से जाना पड़ता है। वहीं अधिकारियों ने गांव जाकर ग्रामीणों को काफी समय तक समझाने की कोशिश की, लेकिन ग्रामीणों का कहना था कि तब तक चुनावी बहिष्कार चलता रहेगा जब तक उनकी समस्याओं का समाधान नहीं होगा। मेरा नाम खचरू सिंह है भैया। अच्छा, ये मतदान बहिष्कार का जो आपने बैनर लगा रखा, क्या है पूरा मामला? ये हमारा ये मामला है जो सड़क है लगा इधर से अमरोहा से जो हसनपुर को मतलब जो बिल्कुल सीधी जिले से तहसील तक जा रही है, ये अब ये सारी कच्ची है, हमें इतनी परेशानी है 10 किलोमीटर घूम कर जाना है, मतलब झुआ हसनपुर हसनपुर तब जाना है, सीधा हम सीधा ना जाएंगे 7 किलोमीटर हम इधर को। अधिकारी मौके पे पहुंचे, क्या आश्वासन मिल रहा है? अधिकारी तो झूठ बोल रहे हैं, ये रात झूठ बोल रहे हैं, मतलब 60-70 साल से लेकर सब झूठ बोलते चले आए, अधिकारी भी ऐसा है सब आवे झूठ बोल कर चले जाए, मंत्री भी बता दे रहे हैं, मंत्री उन्त्री सबने बता रहे हैं झूठ बोल चले जाने, सब झूठ ही बोल रहे हैं। क्या मामला है? मतलब गन्ने लेकर जाना है, देखो रास्ता किधर किधर को जाना है, इधर जाते हैं पहले एरिया मील हमारे धोर है 7 किलोमीटर 7 किलोमीटर जीरा तेल फूक के हैं, जब गन्ना गेर काम है पैसे तो नहीं मिलते, वो चूंकि गन्ना भी बालकों को सर सर रात हो जाए तो रात हो जाए, बालकों को रस्तों में घूमते हो चार दिन गन लग जाए पिटाई, हाँ गंजा छीनना है तो वहाँ पिटाई होगा बालकों की हमारों की। तो ये बताइए अम्मा जी, जैसे जिस तरीके से सरकारें बदलती रही हैं, बदलने में हर अधिकारी यहाँ हर नेता यहाँ आता है, तो इन लोगों ने आपके रास्ते को क्यों नहीं देखा? खूब कही है, बहुत कही है, बकाया के चले गए। तो अब आप क्या चाहते हो? तो अगर सड़क नहीं बनती है तो क्या आप लोग क्या करेंगे? वोट का बहिष्कार करोगे? तो जिस तरीके से अधिकारी आए हैं आपकी समस्या सुनने के लिए, या ये समस्या का अगर आपको आश्वासन देते तो आप क्या करोगे? नाम है आपका? विजय पाल। अच्छा, क्या मामला जो मतदान बहिष्कार का बोर्ड लगा हुआ है? सड़क का ही मामला भैया, सड़क कोई सुनता है ना, झूठ है ना, दे दिया मैं। सड़क कहाँ के लिए है ये? ये हसनपुर जा रही थी। क्या है ये बताओ पूरा मामला? मामला यही है, जो भी मंत्री बने हैं, जो विधायक बने हैं, झूठे दे रहे हैं, नेट पे चढ़े आज तक बनी ना गन्ना डालने की सबसे बड़ी परेशानी। हाँ, और हमें हसनपुर जाना है तो 5 किलोमीटर चक्कर काट के जाना है। और क्या? अच्छा, इस बार मतदान करेंगे गांव वाले? ना, मतदान नहीं करेंगे। क्या नाम आपका? अच्छा, ये जो मतदान बहिष्कार का जो बोर्ड लगा है, क्या है पूरा मामला? ये गांव के विकास के मामले में, हमारा गांव जो है गन्ने के मामले से पिछड़ा हुआ है, 7 किलोमीटर के बजाय हमें जो है 16 किलोमीटर चलना पड़ता है, जिसमें क्या दूसरे गांव में गन्ना लेकर निकलते तो वहाँ पर गन्ना किसी बच्चे को लग जाता है, लंबा गन्ना होता है, वहाँ पर वही गन्ना निकाल कर गाँव के किसानों पर वही गन्ना फटता है, तो गन्ने पिटाई होती है उसकी। हम बहुत दुखी हैं, हमें जो सीधा रास्ता चाहिए चीनी मिल के लिए, सुखदेव जी जा रहे हैं सीधा हमारे गाँव से, बिल्कुल ना किसी जा रहे हैं। अच्छा, जैसे इसमें विकास कार्य न कराने का आरोप लगाया राजनेताओं पर, क्या है पूरा मामला? क्या है? आज तक 4 योजनाएं चली गई, जगराम सिंह, हरपाल सिंह, अस्पाक, चेतन, एक भी इंच हमारे गांव के अंदर या हमारे गांव के क्षेत्र में कोई भी विकास कार्य नहीं कराया गया। कई बार इनके पास गए, लेकिन ये जो है हमें धोखा देते रहे, आश्वासन देते रहे, लेकिन किया कुछ नहीं। अब गाँव में अधिकारी आए हुए हैं, क्या आश्वासन मिल रहा है आपको? कोई आश्वासन नहीं, धोखा दे रहे हैं। क्या कह रहे हैं अधिकारी? ये कह रहे हैं कि हम बनवा देंगे। हमें विश्वास है जब निधि नहीं आ रही तो ये अपने पास से कहाँ से बनवा देंगे? तो
गांव मतदान नहीं करेगा इस बार? हाँ, इस बार जो है संपूर्ण गांव ने बैठक कर ली है और वो जो मतदान करने के लिए तैयार नहीं है। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। JBD Banquets लाए हैं इनक्रेडिबल मैरिज पैलेस राजघराना एंड द फाइनेस्ट बैंक्वेट हॉल ज्योति गार्डन, वर्ल्ड क्लास केटरिंग, सेंट्रली एयर कंडीशन, लश ग्रीन लॉन्स, स्टेट ऑफ द आर्ट लाइटनिंग, अ परफेक्ट वेन्यू फॉर वेडिंग, लॉन्चिंग एंड पार्टीज। राजघराना एंड ज्योति गार्डन एट JBD Banquets Enterprise.